जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्येवर दे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आरती में कपूर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में सुबह शाम आरती करने का नियम बनाया गया है, घर में भी और मंदिरों में भी। तो कपूर जलाने से जो बाहरी वातावरण होता है उसको शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए कपूर रोजाना जलाना चाहिए अपने कमरे में भगवान के सामने, और आरती भी उतारना चाहिए। कपूर जलाने से जीवाणु विषाणु तथा छोटे छोटे बहुत से हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने की शक्ति होती है कपूर के धुएं में। घर में रोजाना कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध रहता है, शरीर पर बीमारियों का आक्रमण आसानी से नहीं होता है और बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। देव दोष तथा पितृ दोष शमन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाते हैं। तो जिस घर में रोजाना सुबह शाम कपूर से आरती की जाती है, घर में कपूर जलाया जाता है सुबह शाम दोनों वक्त में, उस वक्त उस घर के अंदर देव दोष यानी देवी देवताओं का श्राप नहीं रहता है और पितृ का श्राप भी नहीं होता है। पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं, स्थान के देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं और बीमारियां नहीं आती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुबह शाम दोनों समय पे घर में विशेष तौर से कपूर जलाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।